सभी को नमस्कार, मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। हाल ही में आए चक्रवात बिपरजॉय जैसे तूफान से आपकी कार और घर समेत कई चीजों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में अगर आपके घर और कार का बीमा नहीं है तो इसका सारा भार आपके जेब पर पड़ सकता है, इसीलिए सही बीमा होना बहुत जरूरी है। आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। निशा सांघवी हमारे साथ जुड़ रही है। निशा, शो पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कार इंश्योरेंस की, क्योंकि ये वैसे तो कंपलसरी होता है, लेकिन ज्यादातर क्या क्या कवर होता है और क्या एक्सक्लूजन यानी कवर नहीं होता है, ये अगर आप समझा सके। अवनी, शुक्रिया मुझे अपने इस शो पे बुलाने के लिए। मोटर इंश्योरेंस ये एक इंटीग्रल पार्ट है आपके, अगर आप गाड़ी चलाते हो और ओन करते हो तो जब भी ये सिचुएशन आती है फ्लड्स की, तो हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है? यस, मिलता है, अगर आपने सही तरीके का इंश्योरेंस सिलेक्ट किया है। मोटर कार में दो तरीके के डैमेज हो सकते हैं। एक जो है वो नेचुरल कैलामिटीज वाला है, जिसमें आपको इंजन और टायर का डैमेज हो जाता है, और दूसरा है वो एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें आपके कार में इंस्टॉल होती है उसकी वजह से डैमेज होता है। क्या ये कवर्ड है? हाँ, ये कवर्ड है अगर आपने सही तरीके का इंश्योरेंस लिया है तो। ओके, तो जो लोग ऐसे जगह पर रहते हैं जहां फ्लड्स या तूफान ज्यादातर होते हैं, उन्हें कौन से एड ऑन कवर्स लेने चाहिए जो उनको इन सब चीजों से बचा सकता है? सो अवनी, इन्हें डेफिनेटली जीरो डेप्रिसिएशन लेना है, जिसमें सारी चीजें आपको कुछ भी जो है वो एट कॉस्ट मिलेगी। फिर आपको इंजन प्रोटेक्ट लेना है, आपको टायर प्रोटेक्ट लेना है, कंज्यूमेबल्स लेना है, और आरटीआई लेना है अगर आपकी गाड़ी की एज 2 से 4 साल के बीच की है तो। ओके, थोड़ा इन कवर्स के बारे में आप थोड़ा समझा सकते हैं क्या क्या कवर करते हैं? जी, सो अवनी, जीरो डेप्रिसिएशन वो ऐसा एड ऑन है जिसकी वजह से, अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की उम्र 3 साल है, तो 3 साल में गाड़ी डेप्रिशिएट होती है बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर। तो मान लीजिए कि आपने लिया था 100 रुपये में, डेप्रिशिएट होके 70 हो गया, तो 30 रुपीज कम हो गए हैं। तो 30 रुपीज तो वैसे सेम जो स्पेयर पार्ट रिप्लेस होते हैं तो तभी आपको उतना ही पैसा मिलेगा। तो अगर आपने ये एड ऑन राइडर लिया है जीरो डेप्रिसिएशन का, तो आपको पूरा पैसा मिलता है एट कॉस्ट, ठीक है। फिर आपको मिलता सेकंड राइडर है इंजन प्रोटेक्ट। तो इंजन प्रोटेक्ट ये राइडर है कि मान लीजिए कि आपके इंजन को कोई डैमेज होता है, नॉट बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर बट बिकॉज ऑफ दीज कैलामिटीज, तो इंजन प्रोटेक्ट बिल्कुल कवर करते हैं। तीसरा है टायर, सेम टायर कवरेज। इफ देयर इज एनी डैमेज टू द टायर्स बिकॉज ऑफ कैलामिटीज, देन यस दे आर कवर्ड। वेयर एंड टेयर से वेयर एंड टेयर का कवरेज नहीं मिलता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है आरटीआई, रिटर्न टू इनवॉइस कहते हैं इसे। अगर आपकी गाड़ी नहीं है, 0 to 4 years है, तो हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि आपके पास ये राइडर बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है रिटर्न टू इनवॉइस? मान लीजिए आपने गाड़ी आज खरीदी है 15 लाख की और कंप्लीट डैमेज है या स्टोलन है, थेफ्ट हो गया है, तो आपकी गाड़ी को पूरा ही नया रिप्लेसमेंट मिलेगा आपको, डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं मिलेगी, पूरी नई गाड़ी पूरी जो मिलती है वो मिलेगी आपको, और उसके ऊपर कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बट ये एक एड ऑन है, इसलिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो इन सब एड ऑन्स का एडिशनल प्रीमियम भी देना पड़ता है, ये हमारे व्यूअर्स को याद रखना चाहिए। लेकिन कार इंश्योरेंस का जो क्लेम्स का प्रोसेस होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, इसके बारे में अगर आप बताएं। ओके, सो पहले मैं बताऊंगी कि पहले सेफ्टी मेजर के बारे में बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है तो। आपको व्हीकल जो है पहले एक फर्स्ट 2 गियर्स के अंदर ही चलानी है विदाउट यूजिंग द क्लच मोर। फिर दूसरी बात है, आप इंजन को स्टार्ट मत कीजिए अगर वो पानी में सबमर्ज्ड है, गाड़ी अगर डूबी हुई है तो आप उसको शुरू मत कीजिए, और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए सो दैट वो जो डैमेज है वो कम होगा गाड़ी को। और गाड़ी को गाड़ी को ऐसी जगह पे पार्क मत कीजिए कि पता है कि यहाँ पर डैमेज होने ही वाला है। तो ये सेफ्टी मेजर्स है। अब आते हैं आपके एक्चुअल सवाल पे कि क्लेम करते वक्त क्या करना है। अगर मान लीजिए कि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से हम क्लेम कर रहे हैं, तो आपको कंपलसरी विद इन 2 डेज आफ्टर द ये नेचुरल कैलामिटी सेटल होती है, विद इन 2 डेज आपको गैराज पे रिपोर्ट करना है।
और उसके जो मतलब वाटर रिसीडिंग अगर मान लीजिए है कि, तो सबसाइड होने के बाद ही आप जा सकते हैं गाड़ी को लेके, तो तभी आप जा सकते हैं नियरेस्ट गराज पे, क्लेम इंटीमेट कीजिए कि ये गाड़ी को डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटी, एंड आपके पास उसका क्लेम नंबर आ जाएगा, क्लेम इंटीमेट किया इसलिए, क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा, गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा, सर्वेयर आके सर्वे करेगा, आपको अप्रूवल मिलेगी कि एक्चुअल डैमेजेस आप जो क्लेम कर रहे हैं वो रेलेवेंट है या नहीं है, वो होगा, और उसके बाद आपकी गाड़ी को ठीक करने लिया जाएगा काम के लिए, एंड उसके बाद आपको जो है उसका गाड़ी ठीक होकर आपको मिलेगी। जी बिल्कुल। अब बढ़ते हैं होम इंश्योरेंस की तरफ। होम इंश्योरेंस ज्यादातर लोग नहीं लेते हैं, लेकिन काफी हेल्पफुल भी हो सकता है। तो होम इंश्योरेंस किस एवरेज पॉलिसी की बात करें तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है और क्या क्या नहीं? सो होम इंश्योरेंस अवनी, ये बहुत ही क्लासिक पॉलिसी है। तो पहले एक ही टाइप की मिलती थी, अब दो टाइप की मिलती है। एक पॉलिसी का नाम है SFSP, ठीक है। ये हम बेसिकली कहते हैं कि स्टैंडर्ड फायर एंड पेरिल्स, ओके। तो ये जब भी होता है कि आपके नॉर्मल फायर पॉलिसी है, फायर हो रही है, नेचुरल कैलामिटीज हो रही है पेरिल्स की वजह से, तो उसकी वजह से आपको ये कवरेज मिल सकता है। और दूसरा है माई होम, ठीक है। माई होम इज बेसिकली आपके घर के कॉन्टेंट जो है वो कवर होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द SFSP पॉलिसी में आपका अर्थक्वेक और टेररिज्म कवर्ड नहीं होता है, आपको एज एन एड ऑन लेना पड़ता है। सो यहाँ पर भी एड ऑन आता है कि आप ये कैसे कवरेज में ले सकते हैं। तो क्या मिलता है? सो स्ट्रक्चर, प्लिंथ एंड फाउंडेशन, ठीक है। अगर आपका स्टैंड अलोन हाउस है और कंप्लीट डैमेज हो रहा है या कुछ भी डैमेज हुआ है, तो स्ट्रक्चर के अंडर क्या आएगा? बाउंड्री वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स, वाटर टैंक, मीटर रूम, लिफ्ट, ये चीजें जो है वो एक स्ट्रक्चर में कवर्ड होती है बेसिकली। और ये इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो आपको पूरा पैसा मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो स्टैंडर्ड होता है, जनरली लोकेलिटी वाइज होता है या सिटी वाइज होता है। तो ये एक गवर्नमेंट रेडी रेकनर में अवेलेबल होता है, वहां से आप ले सकते हैं। फिर दूसरा पार्ट जो है वो है आपका कंटेंट का, होम कंटेंट्स के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, आपके फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स है, आपके कपड़े, आपके घर की अगर कोई एक्सक्लूसिव पेंटिंग्स है या ऐसे कोई आर्टिकल्स है जिसको आप इंश्योर करना चाहते हो बिकॉज वो एक्सपेंसिव है, और उसमें अगर कोई डैमेज होता है तो आपको इंश्योरेंस लेते वक्त आपने एक एनेक्सर भर के दिया होता है, डेट ऑफ परचेज होती है, उसकी कॉस्ट होती है, उसके बिल्स के कॉपीज होते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपने स्टार्टिंग में दी है तो ये सारी चीजें इंश्योरेंस में कवर होती है। जी, और आखिरी सवाल जो होम इंश्योरेंस है उसके क्लेम्स प्रोसेस के बारे में अगर आप बताएं। सो अवनी, इसमें क्लेम्स में दो पार्ट हम देखेंगे, SFSP का देखेंगे। जब इसमें स्ट्रक्चर डिमोलिश हो जाता है या गिर जाता है या टूट जाता है, तो इसमें आपको कहा जाता है कि सम इंश्योर्ड जो आपकी डिफाइंड है उस बेसिस पे आपको उसका पैसा मिल जाता है। आपको क्लेम करना है, तो क्लेम करते वक्त क्या करना है, पहले क्लेम इंटीमेट करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ जाएगा, क्लेम नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको जो है उसमें भी सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद आपको अप्रूवल आता है कि हम इतने पैसे आपको देंगे, आप फिर वो आपको आपके अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं और आपको कंस्ट्रक्शन करवा के आप वापस उसको रिप्लेस कर सकते हो। दैट्स नंबर वन। नंबर टू जो है माई होम वाला है, तो माई होम वाले में आपको, आपने अगर स्टार्टिंग में सारी चीजें दी है इंश्योरेंस कंपनीज के पास है, तो अगेन सेम क्लेम फॉर्म, क्लेम इंटीमेशन, सर्वे विल हैपन, अप्रूवल कम इन एंड मनी इज पेड। दैट्स हाउ द प्रोसेस इज। इसमें भी जब भी हम ले रहे हैं माई होम, इसमें भी अग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू बेसिस, और आपके एक स्टैंडर्ड जो है एक रेट के हिसाब से कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है हम उतना ही देंगे। सो एग्जांपल, अगर आप एक 20 स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हो तो आप 20th फ्लोर पे रह रहे हो, तो उसके इसमें आपको पूरे कंस्ट्रक्शन का नहीं मिलेगा कि आप 20th फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करो, आपको आपके वॉल्स का कंस्ट्रक्शन का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सोसाइटी ने ये इंश्योरेंस लिया है कि नहीं। जी जी बिल्कुल। निशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते।